Hello students, welcome to the another class of the chapter Cell, the basic unit of life. इसका जो last video lecture था उसमें हमने cell का जो living part है that is cell membrane, plasma lemma को start किया था. उसके discoveries को देखा था कि सबसे पहले किसने इसको discover किया था, that was Quan, किसने plasma membrane नाम दिया था, किसने plasma lemma नाम दिया था. इस हमने last lecture में study किया था. Then इसके बाद हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके लिए मॉडल्स दिए हैं. तो उसमें से हमने दो जो कॉमनली जिन पे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे सिलेबस में है उन मॉडल्स को डिस्कस कर लिया था, दैट इज सैंडविच मॉडल और सैंडविच थ्योरी, एंड सेकेंड इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दैट वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन. आज हम जो इसका थर्ड मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम कुछ एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल. देखिए, कल हमने किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी है. इट इज लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जिसमें लिपिड्स होंगे 48% एंड प्रोटीन्स आर 52%. तो आज हम डिस्कस करते हैं ये लिपिड्स कैसे होते हैं. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द बिफोर स्टार्टिंग द मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल, कुछ लिपिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड यूज किए जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो लिपिड होता है व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड, मींस लिपिड जिनके साथ क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट मॉइटी अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट कॉमन जो फॉस्फोलिपिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज लेसिथिन. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि लिपिड कौन से होंगे और मोस्ट कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, दैट इज लेसिथिन. इसके अंदर लेसिथिन प्रेजेंट होता है. चलिए अब हम देखते हैं ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, इट इज एम्फीपैथिक. इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर. एम्फीपैथिक क्या होता है, देखिए एम्फी का मीनिंग होता है ड्यूअल. जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे एसिड बेस और फिर एम्फोटेरिक. एम्फी जो वर्ड होता है वो ड्यूअल के लिए यूज किया जाता है. इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, पॉलर प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन पॉलर प्रॉपर्टी भी होती है. तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड, दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर. क्यों एम्फीपैथिक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों प्रॉपर्टी होती है. देखिए इसका जो फॉस्फोलिपिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक हेड प्रेजेंट होता है और ये दो उसमें क्या प्रेजेंट है, टेल्स प्रेजेंट है. ये इसका जो हेड है ये कैसा होता है, इट इज वाटर लविंग. कैसा होता है, वाटर लविंग, और वी कैन से इट इज हाइड्रोफिलिक. तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, या वी कैन से इट इज पोलर इन नेचर. कैसा होता है, ये पोलर होता है. जो इसकी टेल है वो वाटर हीटिंग होती है, और हीटिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, फोबिया. तो उसको हम बोल देंगे टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक. कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक. इसको हम कह सकते हैं वाटर हीटिंग, वाटर रिपेलिंग एंड नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर टेल्स. तो दोनों प्रॉपर्टी हो गई. हेड किसका काम कर रहा है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक वर्ड लविंग, वाटर लविंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, हेड के अंदर. जो इसकी टेल्स है वो कैसी है, पानी से रिपेल करने वाली, पानी से दूर भागने वाली, दूर भागने वाली, फोबिया, डर है पानी से. तो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक. तो दोनों प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर. और ये जो इसकी हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये सेल में बाहर की तरफ होगा, इट इज प्रेजेंट आउटवर्ड, आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा. और जिसमें टेल्स होती हैं ये सेंटर की तरफ होती हैं. टेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी,
सेंटर की तरफ, सेल में जो उसका, जैसे ये सेल है तो हेड बाहर की तरफ होंगे, टेल कहाँ होगी, उसके सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगी। चलिए अब हम मॉडल को डिस्कस करते हैं, मोस्ट कॉमन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसको डिस्कस करते हैं। कल हमने जो मॉडल किए थे उनके ड्रॉबैक्स ये रहे थे कि दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दी सेल, सच एज सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो आज जो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इट वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हुए, सिंगर एंड निकल्सन। इट वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। रीसेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, इनके साइंटिस्ट पे भी क्वेश्चन आता है किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। तो चलिए हम इस मॉडल को डिस्कस करते हैं, सिंगर निकल्सन ने अपने मॉडल में क्या बताया। देखिए इससे पहले जो मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन का जो मॉडल था या सैंडविच जो मॉडल था, वहाँ उन्होंने क्या गलती कर दी थी, उन्होंने बताया था प्रोटीन बाहर की तरफ है और बीच में लिपिड की बाई लेयर है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज क्वेसी फ्लूइड इन नेचर। कैसा होता है, क्वेसी फ्लूइड इन नेचर। क्वेसी का मीनिंग होता है एज लाइक, किसके जैसा है, फ्लूइड के जैसा है। तो इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज क्वेसी फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइड के जैसा है। क्या बताया इन्होंने अपने मॉडल में, इन्होंने बताया कि क्या होता है, जैसे सपोज करो कि हम चाशनी ले लेते हैं और उसके अंदर रसगुल्ले डिप कर देते हैं। कुछ रसगुल्ले ऐसे होंगे जो उसमें कम्प्लीटली एम्बेडेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पार्टली एम्बेडेड होंगे। तो इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि क्या होता है कि जैसे रसगुल्लों में जो चाशनी होती है वैसे इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वैसे इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, और जैसे बीच बीच में रसगुल्ले होते हैं वैसे इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो सारा बेस इसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, और बीच बीच में प्रोटीन है, और कुछ प्रोटीन उसमें कम्प्लीटली पूरी तरह से धंसे हुए होंगे, कुछ पार्टली हाफ एम्बेडेड होंगे। यही इन्होंने बताया था, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए क्या कि समुद्र है, कोई पानी ही पानी, वो समुद्र में जो पानी है वो इनका क्या है, लिपिड्स हैं, और उसमें बीच बीच में बर्फ के हिमखंड है, आइसबर्ग्स हैं, क्या है, बर्फ के हिमखंड है। तो इन्होंने बताया कि पूरा जैसे समुद्र में पानी ही पानी है वैसे तो क्या है, लिपिड है, जैसे बर्फ के हिमखंड होते हैं, वो बर्फ के हिमखंड कौन है, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ से इनकी स्टेटमेंट आती है जो इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बताया था, लिपिड का मॉलिक्यूल कैसा है, इन्होंने बताया क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज एज इफ लाइक द प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। ये एज इट इज स्टेटमेंट आती है जो इन्होंने दी थी। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने, सिंगर निकल्सन ने क्या बताया था कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड्स। तो सी किसकी है, समुद्र किसका है, लिपिड्स का, और उसमें क्या फ्लोट कर रहे हैं, जैसे बर्फ के हिमखंड फ्लोट करते हैं वैसे इसमें क्या फ्लोट कर रहे हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं। चलिए आज हम अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। देखिए क्या होगा, ये इसमें क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, ये लिपिड्स प्रेजेंट। लिपिड की क्या होगी, बाई लेयर होगी, लिपिड का हेड है, ये उसकी क्या है, टेल्स प्रेजेंट है, लिपिड का हेड और ये उसकी क्या है, टेल्स। तो ये क्या हो गई, लिपिड की बाई लेयर, दिस इज लिपिड बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो इसमें पूरी तरह से धंसे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे ये इसमें हाफ एम्बेडेड है, ठीक है, तो कुछ पूरी तरह से धंसे हुए हैं, कुछ हाफ एम्बेडेड है, कुछ ऐसे भी होंगे जो इसमें एम्बेडेड नहीं है, जो इसमें
सिर्फ बाहर की तरफ ही प्रेजेंट है। जो बाहर की तरफ है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम देंगे बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। जो पूरा अंदर में धंसे हुए हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन। दीज आर इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन्स। दीज आर इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन्स। तो दो तरह के प्रोटीन्स हो गए, कुछ इसमें जो पूरी तरह से धंसे हुए हैं, कुछ इसमें जो हाफ एम्बेडेड है उनको क्या बोल देंगे? एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी बोल देंगे। और इसमें क्या होता है, देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन के साथ इसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनके साथ और जो लिपिड मॉलिक्यूल है उनके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड होगी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ओलिगोसैकेराइड अटैच्ड होगा। अगर लिपिड के साथ अटैच है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था? ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के साथ अटैच है तो क्या नाम दे दिया उसको? ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसके साथ साथ क्या अटैच होंगी? कुछ कार्बोहाइड्रेट की शॉर्ट चेन। ऑलिगोसेक्राइड होता ही क्या है? शॉर्ट चेन। लंबी चेन को तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। तो क्या होते हैं यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी चेन्स अटैच होती है। ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ये प्रोटीन के चेन है, वो सॉरी कार्बोहाइड्रेट के चेन है। ये लिपिड के साथ भी अटैच हो सकते हैं एंड दीज कैन ऑल्सो अटैच विद दी प्रोटीन्स। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट चेन्स। कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ये क्या है? ओलिगोसैकेराइड की चेन है। और ये क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। या ये क्या फॉर्म करेंगी? दे विल फॉर्म, दोनों को कंबाइनली क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो दोनों को कंबाइनली क्या बोल देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे प्रोटीन के साथ अटैच हुई तो उसको हमने क्या नाम दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ जुड़ी तो उसको हमने क्या दिया नाम दिया? ग्लाइकोलिपिड। और दोनों को इकट्ठा क्या बोल देंगे? ये क्या बना रही है? ग्लाइकोकैलिक्स बना रही है। और देखिए और स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब देखिए जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से मेम्ब्रेन है, ये सेल की पूरी मेम्ब्रेन है। तो ये सेल का बाहर का स्पेस हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? सेल का अंदर का स्पेस। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये हो जाएगा सेल का साइटोप्लाज्मिक फेस। दिस इज द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द सेल। और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो सेल से बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। देखिए प्रोटीन बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है एक्सट्रिंसिक और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक फेस में भी प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, वो सिर्फ कहाँ की तरफ मिलेंगे? टुवार्ड्स दी आउटर सर्फेस ऑफ द सेल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है, जो बाहर वाला जो फेस है उसमें मिलेंगी, अंदर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड नहीं मिलेंगी। क्या काम बताया था कल मैंने आपको? ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करती है? स्टिकी है आइडेंटिफिकेशन में और सेल अटैचमेंट में हेल्प करेगी। और देखिए क्या होता है। अब देखिए ये तो क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल बना दिए हमने, ठीक है, और ये प्रोटीन्स बना दिए। हमने कहा क्या हुआ है? इट इज क्वेजी फ्लूड इन नेचर। क्वेजी फ्लूड है, अगर फ्लूड हुआ एज इफ लाइक फ्लूड तो ये बह जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, यही बह जाएगी तो सेल को शेप स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? तो क्या होता है इसको? स्टेबिलिटी। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको फ्लेक्सिबल भी होना है, सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है एज वेल एज इसको स्टेबिलिटी भी देनी है। तो क्या होता है, ये जो इसके लिपिड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये जो इनकी चेन होती है, जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, जो टेल्स है, यहाँ बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। दीज आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दीज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफोबिक टेल्स के बीच में प्रेजेंट है और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इस सेल को, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, लिपिड और प्रोटीन्स की वजह से
लिपिड और प्रोटीन के बीच में भी टाइटली बॉन्डिंग होती है जो जिससे इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन। तो चलिए एक बार इसको लिख भी लेते हैं। इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में कि कैसा है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। अब प्रोटीन्स यहाँ पे दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। प्रोटीन टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल जो प्रोटीन होते हैं, मोस्टली 70% यही प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 30% क्या होंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए कोई अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर लिपिड इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन है, लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो वो सेल के अंदर कैसे एंटर करेगा, तो वो कैसे एंटर करता है थ्रू दीज प्रोटीन। उस टाइम ये प्रोटीन किसका काम करते हैं, एक कैरियर का काम करते हैं, एक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। तो ये लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 70% सेल मेम्ब्रेन में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। और इनका दूसरा रोल है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। इसीलिए इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज परमिएजेस। परमिएजेस ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ है, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहे, इसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन को शेप भी प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हमें पता है जो ह्यूमन आरबीसीज होती है उनकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। ह्यूमन आरबीसीज की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। किसकी वजह से ये बाइकॉनकेव शेप होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दैट इज स्पेक्ट्रीन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन स्पेक्ट्रीन प्रेजेंट होता है जो इसको ये बाइकॉनकेव शेप प्रोवाइड करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन परमिएजेस क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और स्पेक्ट्रीन क्या है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। चलिए ये तो हो गई बात स्ट्रक्चर की, अब हमने इसको स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर दी। स्टेबिलिटी किसकी वजह से हो गई, कि इन लिपिड और प्रोटीन के बीच में टाइट बॉन्डिंग है, और लिपिड के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसके वजह से ये सेल मेम्ब्रेन कैसी इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन इसको फ्लूडिटी किस वजह से होती है, फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो फ्लूडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू तो फ्लूडिटी कौन से मॉलिक्यूल की वजह से होती है, क्या होता है इसमें फ्लूडिटी किसकी वजह से होती है। जैसे ये एक लिपिड मॉलिक्यूल, तो इन लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, ये इस तरह से मूवमेंट होती है, आपस में ये ऐसे मूव करते हैं, इसको कहेंगे हम लेटरल मूवमेंट। तो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में एक तो क्या प्रेजेंट होती है, लेटरल मूवमेंट एक लेयर के अंदर होगी। लेटरल मूवमेंट किसमें होगी, एक लेयर के अंदर होगी। साथ ही साथ क्या होता है, इन लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ये बाई लेयर है, इनमें इस तरह से मूवमेंट भी होती है, इस तरह से मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में लेटरल मूवमेंट भी होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट विद इन अ लेयर और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बिटवीन टू लेयर्स। तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लूडिटी प्रोवाइड करेंगे, और स्टेबिलिटी हमने देख ही लिया। अब स्टेबिलिटी के कुछ कॉजेज भी हम लिख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी क्या है विद इन द सेल मेम्ब्रेन।
causes of stability. तो causes of stability अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, cholesterol in animal cell. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इसमें साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बिटवीन नॉन पोलर अमीनो एसिड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल. तो ये लिपिड मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोफोबिक टेल है उनके बीच में और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है. एक रीजन तो ये है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ये इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. आज हमने डिस्कस किया इसका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए. इस पर डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. जो नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे कि सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए.